7 क्योर्स फॉर ए लीन पर्स, एक हल्के बटुए के 7 इलाज। पहला इलाज, अपने बटुए को मोटा करना शुरू कीजिए। आप जो भी कमाओ उसका केवल 90% या फिर इससे कम खर्च करो और बाकी 10% सेव करो। जब आप पैसा सेव करना शुरू करते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता है और आपका बटुआ मोटा होना शुरू हो जाता है। दूसरा इलाज, अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। ऑथर कहते हैं कि हमारे जरूरी खर्चे हमारी कमाई के साथ साथ बढ़ते हैं अगर हम इन्हें कंट्रोल नहीं करते। इसीलिए हमें अपने खर्चों का बजट बनाना चाहिए और केवल जरूरी चीज़ों पर ही अपना पैसा खर्च करना चाहिए। तीसरा इलाज, अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। ऑथर कहते हैं कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा जो आपने सेव किया है उसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे और आपको अमीर बनाए। चौथा इलाज, अपने पैसों को खोने से बचाएं। यहाँ पर ऑथर हमें कहते हैं कि हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले समझदार लोगों से सलाह लेनी चाहिए, उनके ज्ञान का इस्तेमाल अपने पैसों को बढ़ाने के लिए करना चाहिए और हमेशा सोच समझकर वहां इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर आप सेफली बिना पैसे को गवाए अपने पैसों को ग्रो कर सकें। पांचवा इलाज, आपका अपना मकान बनाएं। यहां पर ऑथर कहते हैं कि हर एक इंसान के पास अपना खुद का घर होना चाहिए, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि जब हम किराए के मकान में रहते हैं तो हमें हर महीने किराया देना पड़ता है। इसके साथ ही हमें मकान मालिक का दबाव भी सहन करना पड़ता है जिसके कारण बहुत से लोग मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। और उन लोगों के लिए ऑथर कहते हैं जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है उन्हें लोन लेकर के घर बनाना चाहिए। जो किराया वे मकान मालिक को देते हैं उसे वो लोन की पेमेंट करने में उपयोग कर सकते हैं और कुछ समय के बाद जब लोन की पेमेंट हो जाएगी तो उनके पास अपना खुद का घर होगा। छठा नियम, भविष्य की आमदनी को निश्चित करें। एक इंसान को आने वाले दिनों के लिए अपनी आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए जब वे जवान न रहे और अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वे उसके साथ न हों। वह इंसान जिसने संपत्ति के नियमों की समझ के कारण एक बढ़ती हुई आमदनी विकसित कर ली उसे भविष्य के दिनों के बारे में कभी भी सोचना नहीं पड़ता। उसे कुछ ऐसे निवेश करने चाहिए जिनसे उसे आने वाले समय में सुरक्षा मिल सके। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे एक आदमी अपने भविष्य को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। जैसे एक इंसान अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि समय के साथ साथ उसकी जमीन की वैल्यू बढ़ेगी जिसके कारण वो भविष्य में उसे बेच करके आसानी से अपना जीवन चला सकता है। या फिर दोस्तों उसे अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करने से पहले उसे इन्वेस्टमेंट की पूरी जानकारी लेनी चाहिए या फिर वो अपने किसी जानकार को या फिर एक ऐसे व्यक्ति को लोन दे सकता है जो भविष्य में उसे ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर सके। सातवां इलाज, अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। यहाँ पर ऑथर हमें पैसों के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचने के लिए कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए नई नई स्किल्स सीखनी चाहिए और खुद को टाइम के अनुसार बदलना चाहिए। हम जितना ज़्यादा सीखते हैं उतना ज़्यादा कमाते हैं।